और वही सूर्य मिशन से जुड़ी हुई एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। देश के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 उपग्रह ने पृथ्वी की कक्षा बदलने का दूसरा चरण पूरा कर लिया है। इसरो ने जानकारी दी है कि आदित्य L1 की नई कक्षा 282x4225 किलोमीटर है। इसरो के मुताबिक तीसरी कक्षा बदलने का अगला अभ्यास 10 सितंबर करीब 2:30 पर किया जाएगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम ने दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग की। अंतरिक्ष में रिसर्च करने वाली भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने एक वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी। मतलब 23 अगस्त को चांद पर उतरकर कामयाबी का परचम लहराने के बाद लैंडर विक्रम ने एक और करिश्मा कर दिखाया। इसरो के मुताबिक एक रोज पहले लैंडर को चांद की सतह से करीब 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया गया और फिर उसे सुरक्षित लैंड करा दिया गया, जिसे हॉप एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया। इसरो ने लैंडर विक्रम के चांद पर दूसरी बार सॉफ्ट लैंडिंग का वीडियो भी शेयर किया, जिसमें लैंडर विक्रम चांद की सतह से उड़ता और कुछ दूरी पर लैंड करता दिखाई दिया। इस दौरान वहां धूल उड़ती नजर आई। मतलब लैंडर ने एक हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भरी और उसने चांद पर उड़ते हुए एक बार फिर सॉफ्ट लैंडिंग की। इसरो के मुताबिक लैंडर को दूसरी बार चांद पर उतारना एक प्रयोग था, जिसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। इसके लिए इसरो के बेंगलुरु सेंटर से कमांड दी गई, जिसके बाद लैंडर करीब 40 सेंटीमीटर ऊपर उठा और फिर 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर जाकर उतर गया। अहम बात यह कि इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर अब आगे के अभियानों में चांद से धरती पर अंतरिक्ष यान को वापस लाया जा सकेगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के पूर्व संपादक ने भारत के मिशन चंद्रयान 3 की जमकर तारीफ की। कुछ दिनों पहले भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराकर इतिहास रच दिया था, क्योंकि ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया था, जिसके बाद पूरी दुनिया ने इसरो का लोहा माना। चीन तक भारत की इस ऐतिहासिक सफलता पर भारत की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाया। वहां के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के पूर्व संपादक हू शिजिन ने तो इसरो की तारीफों के पुल ही बांध डाले। उन्होंने इसरो को टैग करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि 10 दिन पहले भारत का अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा, जो अंतरिक्ष में भारत की प्रभावशाली उपलब्धि है। इससे पहले ग्लोबल टाइम्स ने चीनी अंतरिक्ष एजेंसी और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के एक साथ काम करने पर जोर दिया था। वैसे हू शिजिन चीन के वो पत्रकार हैं जिन्होंने गलवान घाटी में हुई झड़प के दौरान भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह मंडला और श्योपुर में जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना करेंगे। मंडला में दोपहर 12:25 पर जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होनी है। इसके बाद वो एक रैली को भी संबोधित करेंगे। शाम 4:40 पर अमित शाह श्योपुर में जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ड्रोन हमले के बाद अर्मेनिया ने अजरबैजान के सैन्य ठिकानों पर तोप से गोले बरसा दिए। अर्मेनिया और अजरबैजान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और बीते 30 साल से दोनों जमीन के लिए एक दूसरे का खून बहाने पर तुले हैं। 2 दिन पहले अजरबैजान ने अर्मेनिया के एक ड्रोन कंट्रोल स्टेशन पर ड्रोन की मदद से जबरदस्त हमले किए।